जेक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। खरौद बेबी सारथी हत्याकांड का हुआ खुलासा। 62 वर्षीय ठरकी बुड्ढे ने घटना को दिया था अंजाम। जांजगीर जिले के टेम्पल सिटी खरौद के तिवारीपारा में पिछले महीने 29 तारीख को 15 साल की नाबालिग लड़की बेबी सारथी अपने घर से शाम 4 बजे बिस्किट लेने दुकान के लिए निकली थी, जिसकी लाश 15 दिन बाद जोरवा तालाब के बेशरम की झाड़ियों में मिली। अपराधी की गिरफ्तारी के शिवरी नारायण के पुलिस के साथ जिले भर से लगभग 12 से 15 काबिल पुलिस की टीम गठित की गई, जिन्होंने अपराधी को पकड़ने के लिए दिन रात एक कर दिया और एक हफ्ते के भीतर अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शिवरी नारायण में आज पुलिस थाने में इसका खुलासा किया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार खरौद नगर के वार्ड 1 तिवारीपारा निवासी 62 वर्षीय परदेसी लाल पंकज ने बेबी सारथी को बिस्किट देने के बहाने कपूर तालाब में बने अपने सुने घर में बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्चे के चिल्लाने पर वह हंसी दरिंदे ने बच्चे का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और लाश को बोरी में भरकर जोरवा तालाब के झाड़ियों के बीच फेंक दिया था और उसके चप्पल और अंडरगारमेंट को जो उसके घर में छूट गया था उसे बोरी में भरकर अपने घर के बाउंड्री के पीछे फेंक दिया था। पुलिस की कड़ाई से पूछताछ पर अपराधी परदेसी लाल पंकज ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। यह अपराधी पूर्व में कोरबा पालकों के किसी प्लांट में काम करता था, वहां भी इसकी नियत महिलाओं के लिए साफ नहीं था। छेड़छाड़ के मामले में यह कोरबा जेल भी जा चुका है और खरौद आने के बाद भी इसकी नियत में सुधार नहीं आया। आए दिन मोहल्ले की महिलाओं ने इसकी बुरी नियत की शिकायत अपने परिजनों से करते रहते थे और अंत में इसका परिणाम मासूम बेबी सारथी को भुगतना पड़ा। इस पूरे कार्यवाही में थाना प्रभारी रविंद्र आनंद का अहम भूमिका रही और उच्च मार्गदर्शन के लिए SDOP खुटिया, SDOP खलखो सहित संतोष बंजारे, रमाकांत बघेल सहित कई पुलिस जवानों का विशेष योगदान रहा। छत्तीसगढ़ जांजगीर जब ब्यूरो चीफ गौरव राय सागर की रिपोर्ट। 2022 की शाम करीबन 4:30 बजे एक बालिका अपने घर से निकली थी, बिस्कुट लेने के नाम से बाहर निकली थी और वो शाम 6 बजे तक अपने घर वापस नहीं आई, तो घर वालों को उसकी थोड़ी फिक्र हुई और घर वाले उसकी तलाश करने शुरू किए। जाके जो कैमरे लगे हैं उसमें भी उन्होंने देखा कहीं इधर आ गई होगी करके। 29, 30 तारीख को यहाँ मौजूदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें हम लोगों ने नाबालिका के गुम होने की सूचना दर्ज किया था, साथ ही 300 ऑपरेशन भारत भी के तहत अपराध पंजीकृत किया गया था और उसकी तलाश आरम्भ हो गई थी और कहीं उसका पता नहीं चल रहा था। 14 जुलाई 2022 की सुबह गाँव के ही कुछ लोग खेत की मुहाने को तोड़ के उसमें जो जाली नेट लगा के मछली मारने गए थे, उन लोग वहाँ पर एक कंकाल देखा, उसके कपड़े भी देखे और जो इसकी सूचना गांव में सभी लोगों को थी कि एक बच्ची यहाँ से गुम हो गई है, उनके परिवारजनों को उसकी सूचना दी गई और परिवारजनों को सूचना देने के बाद में 14/7 से ये उसकी रिकवरी हुई है। डेड बॉडी की कपड़ों को देख के उसे पहचान लिया गया और उसके बाद एक स्पेशल टीम करीबन हम लोग 10-12 लोगों की टीम लगी थी, साइबर वाले अलग लगे थे इसमें, हम लोग जितने भी कैमरा हैं सबको उन लोगों ने कैमरा भी तलाश किया, कैमरों को देखा, लोगों से पूछताछ करी, पूरे मोहल्ले के लोगों से लगभग हम लोग एक परिवार एक एक घर में जाके पूछताछ किए थे। सारा पूछताछ होने के बाद में और गाँव वालों को भी एक संदेह था, वहाँ एक तालाब के किनारे एकांत में एक मकान है जो वो अकेले रहता है, उसके प्रीवियस कैरेक्टर को भी देखा गया, उस व्यक्ति का वो बालकों में एम्प्लॉय था, रिटायर होकर आया है और उसके बालकों में भी मॉरल एक ऑफेंस उसके खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर है, महिलाओं के खिलाफ 354 का छेड़छाड़ का अपराध जिसमें जेल भी गया था। यहाँ भी उस घर में और कोई नहीं रहता, केवल वही रहता है। उसके बारे में ये जानकारी मिली कि वो जो महिलाएँ भी वहाँ नहाने आने जाती हैं उनके लिए भी उसकी दृष्टि अच्छी नहीं रहती थी और ये भी सुनने को मिला कि ये बच्चियों के साथ में भी कोशिश करता था, कुछ अच्छी उसकी दृष्टि नहीं थी। इस दिशा में जब पूछताछ हुई, आगे उसकी जांच हुई, तब ये उससे वो परदेसी पंकज उसका नाम है, उसने फिर इस बात को बताया कि वो उसको चाहता था, पसंद करता था, उनके